तो दोस्तों, अगर आप भी गूगल पे पे नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल पे एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे। इस तरीके से डैशबोर्ड शो होगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जो ही परमिशन मांगे उसे अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए सबसे पहले बोलेगा। तो जो भी नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, आप वही नंबर डालेंगे जो कि आपका बैंक अकाउंट में आपका नंबर लिंक होगा। नंबर यहाँ पर डालने के बाद, नंबर एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिंग होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका अदर अगर ईमेल आईडी आपने मल्टीपल अकाउंट अपना ईमेल आईडी अनलॉगिंग किया है तो वो शो हो जाएगा। आप जिस भी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब आपको आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा इस तरीके से। और वेरीफाई करने के बाद आपका जो गूगल पे का जो एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब अपना बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड बैंक अकाउंट, आपको भी इसी तरीके से नजर आएगा। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सभी बैंकों का लिस्ट आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आपको यहाँ पर इस लिस्ट में चेक कर लेना है। और जो भी आपका अकाउंट है आपको यहाँ पर उसका नाम, बैंक अकाउंट यानी बैंक का नाम दिख जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस इस तरीके से आपके सामने भी डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, आप उसे अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी नंबर है, यहाँ पर आपका अगर फ़ोन में दो सिम लगा होगा तो यहाँ पर शो होगा कि आपका जो नंबर है वो किस सिम में है, यानी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो आपको सिम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। बस कुछ सेकंड आप वेट करेंगे, आपका जो नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ ये वेरीफाई करेगा कि आपका बैंक अकाउंट में आपका जो नंबर है वो लिंक है या नहीं। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट में आपका नंबर लिंक होगा ऑटोमेटिक आपका जो भी अकाउंट है आपको यहाँ पर वो शो कर देगा। इस तरीके से आपके सामने भी डिस्प्ले हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा जो सेम नंबर है वो दो अकाउंट में लिंक है, इसलिए मेरे यहाँ पर दो अकाउंट शो हो रहा है। आपका अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस आपके सामने जो दिखाई देगा इस तरीके से आ जाएगा। यानी जो भी आपका बैंक अकाउंट है यहाँ पर वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने नंबर यहाँ पर डाला हुआ है अपने गूगल पे के साथ तो वही आप सेट यूपीआई नंबर में सेट कर दें ताकि कोई भी आपके यूपीआई के जरिए उस नंबर पर पैसा सेंड करे तो आपके गूगल पे में ही आए। तो आप सेट यूपीआई नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नॉट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरा देख सकते हैं टॉप राइट साइड कॉर्नर प्रोफाइल फोटो दिखाई दे रहा होगा। आपको हो सकता है प्रोफाइल फोटो शो हो या लोगो शो होगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी मैंने बैंक अकाउंट लिंक किया है यहाँ पर मेरा वो बैंक अकाउंट शो हो जाएगा, आपको भी सेम इसी तरीके से शो होगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट यूपीआई पिन, आप यहाँ पर अपने यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं, पहले से बनाया हुआ है तो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। एटीएम डेबिट कार्ड का ऑप्शन पहले से सिलेक्ट होगा, उसके बाद नीचे आधार का भी ऑप्शन दिया गया होगा। तो आपको एटीएम डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एटीएम डेबिट कार्ड का जो लास्ट का 6 अंक है वो यहाँ पर इंटर करने के लिए बोलेगा। तो जो भी आपका एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट है वो यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको जो भी एक्सपायरी मंथ है और ईयर है आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो एरो का आइकन दिखाई दे रहा है आप इस एरो वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के कुछ सेकंड बाद बस वेट करेंगे तो आपको बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा। देख सकते हैं मेरा बैंक ओटीपी आ चुका है, आपको भी इसी तरीके से ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा, अगर नहीं करता है तो यहाँ पर आप मैनुअली इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर राइट टिक के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। राइट टिक के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोलेगा कि 6 डिजिट का जो यूपीआई पिन आप रखना चाहते हैं वो अपना यहाँ पर इंटर करें। जो भी आप यूपीआई पिन रखना चाहते हैं वो यूपीआई पिन आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर राइट टिक के ऊपर फिर से क्लिक कर देंगे। तो एक बार कन्फर्म करने के लिए बोलेगा कि जो भी आपने यूपीआई पिन डाला हुआ है सेम यूपीआई पिन आप दोबारा इंटर करिए, तो वही पिन आपको दोबारा इंटर कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पर राइट टिक जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपका यूपीआई पिन है वो गूगल पे का वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था। इस तरीके से आप गूगल पे एक नया अकाउंट बना सकते हैं।